एमपी के सीएम शिवराज ने लाडली बहनों को दिया तोहफा। आज से हो गई शुरुआत। आज लाडली बहना का भी, क्योंकि दो क्राइटेरिया में हमने परिवर्तन किया। एक 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां छूट गई थी। हमने तय किया कि 21 से 23 साल तक की जो हमारी विवाहित बेटियां हैं वो भी लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। और एक फोर व्हीलर क्राइटेरिया था तो उसमें ट्रैक्टर भी आ गया था, लेकिन कई छोटे किसानों के पास भी ट्रैक्टर है जो अपने खेत के साथ साथ किराए पर भी खेती बाड़ी में ट्रैक्टर चला के अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसलिए 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी हो, तो ऐसी बहनें जो छूट गई थी वो अब लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। आज से फिर रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस समय सौगातों की बहार आई हुई है। एक के बाद एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को उपहार दे रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए इसी साल शुरू की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाएं 5 जगहों से आवेदन कर सकती हैं। इसमें पात्रों को सरकार हर महीने की 10 तारीख को 1-1 हजार रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। सुनिए सीएम शिवराज ने क्या कहा। आज लाडली बहना का भी, क्योंकि दो क्राइटेरिया में हमने परिवर्तन किया। एक 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां छूट गई थी। हमने तय किया कि 21 से 23 साल तक की जो हमारी विवाहित बेटियां हैं वो भी लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। और एक फोर व्हीलर क्राइटेरिया था तो उसमें ट्रैक्टर भी आ गया था, लेकिन कई छोटे किसानों के पास भी ट्रैक्टर है जो अपने खेत के साथ साथ किराए पर भी खेती बाड़ी में ट्रैक्टर चला के अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसलिए 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी हो, तो ऐसी बहनें जो छूट गई थी वो अब लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। आज से फिर रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ किया जा रहा है। बता दें कि सीएम शिवराज ने बहनों को सशक्त बनाने के लिए ये योजना चलाई है। इसके लिए इंदौर जिला प्रशासन आवेदन जमा करने की तारीख पूरी कर चुका है और फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए हैं। इंदौर शहर में नगर निगम के जोनल कार्यालय पर आवेदन लिए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। और जो भी इसकी पात्र बहनें हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि आवेदन आज से शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में लाडली बहना अभियान 2.0 शुरू करने की घोषणा 10 जुलाई को की थी। और इस घोषणा के तहत 21 से 30 साल की शादीशुदा महिला और 21 से 30 साल के बीच की वो शादीशुदा महिला जिनके नाम पर ट्रैक्टर है उन्हें भी पात्र बनाया गया है। पहले ये महिलाएं अपात्र थी, अब इनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि इन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। हर महीने सरकार इसके लिए 1,000 रुपये देगी। जाहिर है कि योजना के दूसरे चरण के लिए आज से 20 अगस्त के बीच आवेदन लिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जो वार्ड बड़े हैं वहां पर वार्ड स्तर पर, जबकि छोटे वार्डों में निवास करने वाली महिलाओं के आवेदन जोन कार्यालय पर लिए जाएंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में सभी 314 ग्राम पंचायतों में भी आवेदन जमा किए जाएंगे। दूसरे चरण में इंदौर जिले में लगभग 35,000 नए हितग्राही जुड़ने की संभावना है। और पहले की बात करें तो इंदौर जिले में 1,39,223 पात्र हितग्राही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।